बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर फिंगर फिश बनाने के लिए हमने यहाँ पर बोनलेस फिश होती है वो हमने ले ली है, जिसे फिश फिले भी कहते हैं इस तरीके से। और उसे हमने जो है ना, एक लंबाई में पीस होता है तो उसके हमने चार पीस कर लिए हैं, यानी लंबाई में दो किए और उसके बाद बीच में से कट करके इस तरीके से चार पीस हमने ये कर लिए हैं फिश फिले के। ठीक है, तो ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम है। आपने देखा होगा कि बाजार में जो फिश फिंगर फिश मिलती है उसका जायका ही अलग होता है। वो क्यों होता है, किस लिए होता है? वो फिश के अंदर मसाला नहीं लगाते हैं, फिश के अंदर कुछ खास लगा करके वो रख देते हैं। तो वो खास क्या होता है, वो बहुत ही आम सी चीज होती है, वो होता है व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका। यहाँ पर भी हम 400 ग्राम हमने फिश फिले ले ली है और उसे फिंगर फिश स्टाइल में कट कर लिया है यहाँ पर हमने। तो इसके अंदर जो है हम सिरका ऐड कर देंगे। सबसे पहले 3 टेबल स्पून मैंने सिरका लिया है ताकि यहाँ अच्छे से ये डीप हो सके। ये आप देख सकते हैं 3 से 4 खाने की चम्मच। अच्छा, उसके बाद नमक। नमक लगा के रखने का जो अमल है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना नमक के मछली अगर आप फ्राई कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी ना रखें, क्योंकि नमक से जो जायका आता है ना, वो मत पूछें कितना जबरदस्त जायका होता है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आता है फिंगर फिश को बनाने में भी और खाने का तो मजा ही अलग होता है। अच्छा, इसके अंदर हम यहाँ पर जो है थोड़ी सी, यानी 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं। कोई और मसाला ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना कोटिंग के अंदर, तो अंदर से जो है ये सफेद सफेद नजर आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ठीक है, बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए या कम से कम 15 मिनट के लिए जो है ना कवर करके यहीं बाचखाने में ही स्लिप पर आप रख दें, शेल्फ पे आप रख दें इसी तरीके से, और चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। वरना ये हाथ के हाथ ही बनने वाली चीज है, बहुत मजेदार बनती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली ये वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए इसे करते हैं साइड और बनाते हैं इसकी कोटिंग। तो चलिए आइए मजेदार सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये छोटी प्याली है मेरे पास, तो एक प्याली जो है वो मैंने बेसन ले लिया है। ठीक है। अच्छा, इसी हिसाब से जिस प्याली, छोटी प्याली से हमने बेसन लिया है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर आधी प्याली जो है ना वो हम मैदा ले। कभी भी जो ये बाहर वाले होते हैं ना, मछली जब फ्राई करते हैं, फिंगर फिश बनाते हैं, तो उसके अंदर कम्प्लीटली बेसन नहीं होता है, वो लाजमी जो है ना इसमें मैदा ऐड करते हैं, और इससे जो है एक अलग स्ट्रक्चर बनता है और एक अलग लचक सी आती है उसकी कोटिंग के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है इस कोटिंग को मजेदार बनाने के लिए जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है अपना होम मेड पकौड़ा मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मजेदार होता है, तो इसे आप जरूर बना करके रखें। वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर जो है पकोड़े वगैरह तो सबको ही खाते ही हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, और इसको जो है मैं मिक्स कर लूंगी, और यहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, क्योंकि हमें इसे ज्यादा पतला नहीं बनाना है और बिल्कुल थिक भी नहीं रखना है। एक अच्छी सी कोटिंग तैयार करनी है ताकि एक मोटी मोटी सी लेयर जो है ना वो फिश के ऊपर आ जाए। तो मैं बता रही थी आपको कि इसमें मैंने पकोड़ा मसाला ऐड किया है कोटिंग के अंदर, जिससे हमारी जो कोटिंग है वो भी बहुत ही मजेदार सी बनेगी, फिश खाते हुए अलग ही जायका, अलग ही स्वाद आएगा। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास जो है पकोड़ा मसाला ना हो, वैसे तो बहुत मजेदार और एक हटकर एक बहुत ही लजीज मसाला मैंने तैयार किया है, लेकिन जो है क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ना हो तो आपने कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च इसमें ऐड करनी है लाजमी, लाजमी कुटा हुआ धनिया लाजमी ऐड करना है, कसूरी मेथी लाजमी ऐड करनी है, सौंठ लाजमी ऐड करनी है, और इसके अंदर मेरे जो पकोड़ा मसाला है उसके अंदर जो है हरा धनिया और पुदीना जो है वो भी ड्राई करके मैंने ऐड किया था। तो आप जो है फ्रेश कोरिएंडर जो है और मिंट, ये दोनों चीजें जो है फ्रेश भी बारीक बारीक काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना अगर ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन जो चार चीजें मैंने बताई हैं वो आपने लाजमी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून इसमें और पानी ऐड करूंगी मैं, और जब तक हमारी मछली को आधा घंटा होता है तो हम जो है ना बेसन को भी, जो हमने ये लिक्विड तैयार किया है, इसे भी हम थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे ताकि बेसन जो है वो थोड़ा सा फूलता है,
तो जरा सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए फिश को, तो हम इसका जो पानी है वो अलग कर लेंगे, ठीक है। और पानी जो है वो ड्रेन कर देते हैं, बस सिर्फ फिश ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और ऑयल जो है वो हम गर्म पे रख देते हैं। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली ले ली है, और उसके बीच निकाल करके जो है ना मैंने इसके अंदर खट्टा मसाला भर लिया है, धनिया पाउडर और चाट मसाला, इन दो चीजों के अंदर मैंने सिरका मिलाया, सिरका मिलाकर मिर्चों के अंदर मैंने भर लिया, ठीक है, ताकि हमारे वक्त की बचत हो सके। अमूमन देखा होगा आपने कि बाजार के अंदर जब हम फिश लेते हैं ना, ये फिंगर फिश, तो उसके साथ जो होती है वो ग्रीन चिली फ्राई की हुई मिलती है, ठीक है ना। तो अब वो तो बिना मसाले वाली होती हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम थोड़ा सा इसको और अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि घर की चीज तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी घर में चीज बनाएं, घर वालों को खिलाएं, दिल से बनाएं और दिल से खिलाएं, ताकि जो है ना जो भी खाए वो खुश हो जाए, ठीक है। और बस हम इस तरह से, हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो बस आप देख सकते हैं कि ये कोटिंग कितनी अच्छी है, किस तरह से पूरी की पूरी के ऊपर हो गई है, ठीक है ना। तो इतना ही गाढ़ा आपने ये बनाना है, पतला हरगिज हरगिज नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है, ज्यादा तेज ऑयल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ताकि ये अंदर तक से अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें आप, फिश हमारी फ्राई हो चुकी है, तो आंच जो है वो चूल्हे की बिल्कुल स्लो कर ली है, और यहाँ पर हम अपनी जो ग्रीन चिली है उसे भी फ्राई कर लेते हैं। जी जनाब, बाजार के स्टाइल में बिल्कुल बन के तैयार है हमारी फिंगर फिश, ये आप देख सकते हैं। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा सर्दियों के अंदर गर्मा गर्म फिंगर फिश की क्या ही।